फाइनली सम गुड न्यूज़ फॉर फ्रैंकलिन यूनिट होल्डर्स। तो अप्रैल मंथ में जो 6 स्कीम्स फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने बंद की थी, यानी कि शट डाउन की थी, फ्रॉम परचेज, फ्रॉम रिडेम्पशन, फ्रॉम स्विच आउट, स्विच इन, एवरीथिंग दे शट डाउन। सो मतलब ओवरऑल ऑपरेशंस इन दैट पर्टिकुलर स्कीम फॉर न्यू यूनिट होल्डर्स और एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स बिल्कुल बंद हो गए थे। तो अभी उसके बाद बहुत सारे लिटिगेशन हुए। फ्रैंकलिन के हिसाब से दे वेंट एज पर द रूल्स, बट उस पर यूनिट होल्डर्स ने बहुत सारे केसेस किए। फिर अल्टीमेटली एक जगह पे वो केसेस चले, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप एक और एक वोट ले लो, कि वाइंड अप करने वाला आपने वोट लेना चाहिए। एक उन्होंने अच्छा प्रोविजन दे दिया कि तब तक को इस स्कीम में जैसे शट डाउन है वैसे ही स्टेटस को मेंटेन रहेगा, कोई रिडेम्पशन नहीं होगा, कोई नया परचेस नहीं होगा। तो उसके हिसाब से जो वोट्स लिए गए बिटवीन 26th of December टू 28th of December, उसके बीच में जो भी वोटिंग हुई, सो 90% ऑफ द यूनिट होल्डर्स एग्रीड टू वाइंड अप दी स्कीम्स। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। ये क्यों अच्छा हुआ? अब लोगों को लगेगा भाई यार इसमें क्या अच्छा है। ये अच्छा इसलिए हुआ कि अगर वो वाइंड अप के अगेंस्ट वोट करते और ये स्कीम्स को ओपन किया जाता और उसके बाद रिडेम्पशन प्रेशर आता, सो फ्रैंकलिन वो रिडेम्पशन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, देन वहां पे डिस्ट्रेस सेल होता जो सिक्योरिटीज उनके पास है, और उसकी वजह से अच्छा खासा लॉस टू एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स हो सकता था, जो यहाँ पे अवॉइड होता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दी एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स। आई अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ दी यूनिट होल्डर्स जिन्होंने निगेटिव वोट किया है उसमें, बिकॉज उनको लगता है कि ये गलत हुआ है, बट ये वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, वी नीड टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल। जो एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स है उनको वहाँ पे कैसे बचाया जा सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम दी फ्रैंकलिन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग फ्रॉम दी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, कि वहां पे अगर लॉजिकली हम सोचेंगे सो दिस इज अ राइट स्टेप एंड दैट्स वॉट लुक्स लाइक यूनिट होल्डर्स ऑल्सो एग्रीड कि भाई यही सही स्टेप है, और उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें की है। अब इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद 25th of 5th जैन को सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार हियरिंग कर सकता है, बताएगा कि भाई ओवरऑल पैसे कैसे दिए जा सकते हैं इसके आने वाले समय में, उसके बारे में गाइडेंस दिया जाएगा फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब एक चीज़ अच्छी हुई है, जब से ये स्कीम शट डाउन हुई है तब से 13,789 करोड़ रुपीज़ की मैच्योरिटीज़ या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स इसका कंपनी के पास, मतलब स्कीम्स के पास आ चुके हैं। सो इट मीन्स उनके पास अच्छा खासा कैश फ्लो आया है, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड। बट जो कैश पॉजिटिव स्कीम्स है वो 5 out of these 6 स्कीम्स जो बंद हुई है, तो उसमें अराउंड 9,190 करोड़ रुपीज़ का कैश पॉजिटिव ये स्कीम्स है। अब इसमें किसके पास कितनी कैश है ये बताएंगे परसेंटेज टर्म्स में। सो अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड ये जो है उसके पास 63% कैश है, इट मीन 63% ऑफ द मनी हैज कम टू देयर अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटीज, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। देन डायनामिक एक्रूअल ये जो स्कीम है उनकी, उसमें 50% कैश है उनके पास और 50% अभी भी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में है। द थर्ड स्कीम इज लो ड्यूरेशन, 41% कैश पॉजिटिव है ये स्कीम, सो दिस इज ऑल्सो गुड। क्रेडिट रिस्क जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव काइंड ऑफ फंड है इनका, तो वहां पे भी 26% का कैश पॉजिटिविटी आ चुका है। शॉर्ट टर्म इनकम फंड जो है उसमें 9% की कैश है, एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज इज स्टिल निगेटिव विथ 6% बोरोइंग्स है उनके पास, बट होपफुली आने वाले समय में वहां पे भी कैश पॉजिटिविटी आ जाएगी। सो अब एक और एक मीटिंग होगी जिसमें या वोटिंग हो सकती है जिसमें हमें ऑथराइज करना होगा एज अ यूनिट होल्डर टू ट्रस्टीज और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट डेलॉइट। तो इसमें से किसको सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से नेक्स्ट जो एक्शन होगी वो उसकी तरफ से होगी, ट्रस्टीज की तरफ से या फिर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट डेलॉइट, जो ट्रस्टीज मतलब इस कंपनी ने ही रखी है। सो लेट अस सी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस होगा। एक चीज ये हो सकती है इसके बाद कि फ्रैंकलिन की तरफ से एक बार ये सारी चीजें हो जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ जाएगा, भाई पेमेंट करना है आपको, ऐसा करना है, देन द ट्रस्टीज और द ऑथराइज्ड कंसल्टेंट जो भी होगा, जो डिलॉइट हो सकता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकता है फॉर सेलिंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑल्सो एट रीजनेबल वैल्यूएशन, डिस्ट्रेस वैल्यूएशन नहीं, रीजनेबल वैल्यूएशन। सो दैट इज ऑल्सो, इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी सिक्योरिटी की मैच्योरिटी 5 साल बाद है तो आपको पैसा 5 साल बाद मिलेगा, नहीं, अगर मार्केट में अच्छा रेट उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को मिल रहा है, सम बायर इज देयर अवेलेबल टू बाय दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, देन दी स्कीम्स और द ट्रस्टीज और दी
अथराइज्ड कंसल्टेंट कैन गो टू द मार्केट एंड सेल दो सिक्योरिटीज एंड वो पैसा यूनिट होल्डर्स को वापस दिया जा सकता है. सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन. सो मुझे लगता है लुक्स लाइक द वर्स्ट जो हमने सोचा था इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट फिर भी बैड थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड. सो स्लोली स्लोली मुझे लगता है कि थिंग्स विल कम बैक, द मनी शुड कम बैक टू द यूनिट होल्डर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. दैट्स व्हाट करेंटली तो ऐसा लग रहा है. लेट अस सी, विल कीप ऑन फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर इशू इन कमिंग वीडियोज ऑल्सो. सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आई एम नॉट ट्राइंग टू फेवर एनी बडी, कुछ भी या नहीं है, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टक देयर इन दीज स्कीम्स. तो वहाँ पे उनके लिए ही ये पर्टिकुलर वीडियो हमने यहाँ पे रिलीज किया है दोस्तों. तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा. इफ़ यू पीपल फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो ज़रूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिए. वहाँ पे आपको मॉडल पोर्टफोलियोज मिलेंगे जिस पे फ्लैट 25% का डिस्काउंट हमने रखा है. थैंक यू, ये कूपन कोड यूज़ करके आप उस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हो. And if you will go for combo offers like Stockometer Plus, MF Yadnya, model portfolios combined या फिर other products हमारे जो है, तो that particular discount can go up to 35% to 40% also. So मैं आशा करूँगा कि आप investindia.in को विजिट करेंगे. So ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.